आदमी भी फंसा हुआ इसमें? हाँ सर। हाँ, आदमी भी फंसा हुआ है ऊपर है। काय को आदमी? बूढ़ा आदमी है, बहुत लोग आदमी फंसे हुए हैं। बहुत लोग आदमी है, सुनिए मैडम। लेबर लोग। 7:30 बजे के आसपास, और उसके बाद जैसे ही सूचना मिली हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेजे हैं, और अभी हम लोग देख रहे थे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो एयरपोर्ट से भी हम लोगों ने एक फायर इंजन मंगवाया है। NDRF से मदद ली जा रही है, SDRF की हमारी टुकड़ी है, और उसके अलावा एयरपोर्ट से हमारे पास अग्निशमन के बड़े वाले जो दमकल हैं वो आए हैं। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। विश्वेश्वरैया भवन में अचानक से भीषण आग लग गई, इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में बिल्डिंग में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। विश्वेश्वरैया भवन में आग की सूचना के तुरंत बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, साथ ही पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। SDO ने बताया कि विश्वेश्वरैया भवन में आग से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोक दिया है। बताया जा रहा है कि ऊपरी मंजिल में अभी धुआं और आग की लपटें निकल रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है, लेकिन आग लगातार फैलती ही चली गई। उसके बाद अब NDRF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। आदमी भी फंसा हुआ इसमें? हाँ सर। हाँ, आदमी भी फंसा हुआ है ऊपर है। काय को आदमी? बूढ़ा आदमी है, बहुत लोग आदमी फंसे हुए हैं। बहुत लोग आदमी है, सुनिए मैडम। लेबर लोग। काय थो? अब हम नहीं कह सकते हैं, लेबर लोग जितना सब नए ऊपर साथ पर काम कर रहे हैं ना, उन लोग सब फंसा हुआ है। ओ, फंसा हुआ झाड़ू पोछा वाला है कि लेबर वाला है? हम लोग झाड़ू का बेची ले। झाड़ू पोछा वाला है। पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि विश्वेश्वरैया भवन में रेनोवेशन का काम चल रहा था। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। आग का फैलाव ज्यादा होने पर NDRF की टीम को मौके पर बुलाया गया है, साथ ही पटना एयरपोर्ट से फायर इंजन को भी मंगवाया गया है। सुबह 7:30 बजे के आसपास, और उसके बाद जैसे ही सूचना मिली हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेजे हैं, और अभी हम लोग देख रहे थे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो एयरपोर्ट से भी हम लोगों ने एक फायर इंजन मंगवाया है, और पूरी टीम लगी है, NDRF की टीम भी हम लोगों ने बुलाया है यहाँ पर। और जो दो बच्चे फंसे हुए थे 7वें फ्लोर पर, जो वहाँ काम चल रहा था, तो कुछ श्रमिक थे तो अपने परिवार के साथ वहाँ रात में थे, दो बच्चे फंसे हुए, तो उनको निकाल लिया गया है। अभी कोई फंसा हुआ नहीं है, कोई फंसा नहीं है, और हम लोग देख रहे हैं इसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि पाँचवें से सातवें फ्लोर पर है लगभग, और ऊंचाई काफ़ी है, इसलिए थोड़ी कठिनाई हो रही है हम लोगों को, तो उसको देखते हुए हम लोग जो ये लिफ्ट वाले हमारे फायर इंजन है उसको हम लोग लगाए हैं सामने से भी और बैक साइड से भी, और हम लोगों का प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द हम लोग कंट्रोल कर लें। क्या सर कहा जा रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो वायरिंग है वो भी काफ़ी पुरानी थी, ये भी एक वजह हो सकती है? अभी तो रिनोवेशन काम इसका चल रहा था, और बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है पहला, मतलब प्राइमरी रीजन तो यही बताया जा रहा है, लेकिन बाकी आगे तो जांच का विषय है कैसे लगा है और कैसे क्या कहां लापरवाही हुई है, लेकिन अभी हम लोगों का प्रयास है इसको तुरंत कंट्रोल किया जाए। वही घटना स्थल पर SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों भी मौजूद हैं, और उनके साथ जिले के पुलिस कर्मी भी लगातार फायर ब्रिगेड को मदद कर रहे हैं। बता दें कि विश्वेश्वरैया भवन के जिस हिस्से में आग लगी है वहां लघु जल संसाधन, ग्रामीण कार्य और योजना विभाग के कार्यालय हैं। आग का असर 3री से 5वीं मंजिल तक हुआ है। हालांकि 3री मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है, मगर भवन के ऊपर के हिस्से में आग बुझाने में मुश्किलें आ रही हैं। बता दें कि विश्वेश्वरैया भवन में इन दिनों मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इसे नया लुक दिया जा रहा है। इसके लिए बीते कई महीनों से यहां निर्माण का कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि इसी निर्माण कार्य के दौरान ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। यहां महत्वपूर्ण विभागों के सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। जवाब मैं देने के लिए सक्षम नहीं हूं। इसकी क्लैरिटी आप उन्हीं से ले सकते हैं, CCTV यहां पे लगे हुए हैं, आप खुद उसका अवलोकन कर लीजिए कि स्थानीय पुलिस थी कि नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, सीनियर का जवाब आप उनसे लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो एक्सपर्टीज है उनके एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने बुलाया, और वो जो जो भी उनके पास विशेषज्ञ हैं उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया कि जो भी अंदर, क्योंकि इसका एक अलग से डिज़ाइन होता है, फॉल सीलिंग्स होती हैं अलग से होते हैं, एक स्पेशल ट्रेनिंग होता है इन लोगों का रेस्क्यू एफर्ट्स में,
खुशी से ही उठी बुलाया गया। NDRF से मदद ली जा रही है, SDRF की हमारी टुकड़ी है और उसके अलावा एयरपोर्ट से हमारे पास अग्निशमन के बड़े वाले जो दमकल हैं वो आए हैं, फायर ब्रिगेड है और हमारा स्थानीय प्रशासन। क्या कितनी संख्या पर्याप्त है, आगे और पीछे दोनों बिल्डिंग में आग लगी? देखिए इसका आकलन क्योंकि जिला अग्निशमन पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, इसका आकलन अधिक करेंगे जिसके जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से और संसाधन। दो लोगों के बचने की सूचना है? नहीं, सभी को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। विश्वेश्वरीय भवन में आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते भवन में आग लगी होगी। विश्वेश्वरीय भवन में आग लगने की सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग को नियंत्रित करने में जुट गई है। जिस फ्लोर पर आग लगी थी उसे बुझा दिया गया है, लेकिन पांचवीं मंजिल से अभी भी काला धुआं निकल रहा है। कमरे में आग की लपटें उठ रही हैं। पटना से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।